लाइब्रेरी आया हुआ था, कभी कभी गलती से आ जाता हूँ मैं। दोस्तों मैं ये पनीर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, मेरे जीवन में अलग ही दुख चल रहे हैं लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ भाई, शूज़ पहनता हूँ, रेडी हो गया हूँ मैं। दिस इज ट्यूजडे मॉर्निंग, पहुँचता हूँ पहले क्लास, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, उसके बाद बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं भाई। एयरपोर्ट ले लेते हैं, बाइक की चाबी ले लेते हैं, वैसे बाइक का काम तो नहीं है बट स्टिल मे बी हो सकता है टपरी जा सकते हैं। बाकी ब्रेकफास्ट तो कर नहीं पाऊंगा बट देखता हूँ, लेके रख लूँगा किसी के रूम में। भाई इस पेड़ पे बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। ब्रेकफास्ट मैंने लेके रख लिया भाई, अभी थोड़ी देर से जाके खा लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों दो क्लासेस हो गई हैं एंड भाई मैं रात में जो व्लॉग एडिट कर नहीं पाया था, तो अभी क्लास में आके एडिट किया है। एक लेक्चर फ्री था बीच में, बाकी दो क्लासेस और हैं, फिर क्लास के बाद ही मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट। दोस्तों क्लास हमारी ख़त्म हो गई है, लाइब्रेरी आया हुआ था, कभी कभी गलती से आ जाता हूँ मैं घूमने फिरने। भाई देता हूँ ना लाइब्रेरी की फ़ीस, डायरेक्ट लेने आया था दोस्तों, डायरेक्ट जो हमें हर सेमेस्टर वाइज मिलती है लाइब्रेरी से, तो वही लेना था। शेट भाई, मैं सुबह ही जाते टाइम बोल रहा था आपको, ये पेड़ कितना नीचे आ गया है, ये टूट गया या तोड़ा गया? तोड़ा गया है, मुझे लगा मेरी इतनी गंदी बदुआएँ थी क्या भाई, टूट गया मेरे कहने से, तोड़ा गया एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था ना इस वजह से। दोस्तों रूम में हम वापस आ गए हैं। यार मेरे को भाई सच बता रहा हूँ, बहुत आलस आता है कॉलेज जाने में शूज़ पहन के, मतलब जो सुबह सुबह उठ के शूज़ पहने भाई, अनसरी मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड जैसा कि मैं तुम्हें पिछले सेकंड दो या पता नहीं कौन से ब्लॉग में, किसी ब्लॉग में तो बोला था इसके पहले वाले, कि भाई मैं कल ही जाके जो है अपनी स्लीपर परचेज कर लूँगा, क्योंकि भाई स्लीपर बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और बिल्कुल घिस गई है, ठीक है। तो अब ऐसी हालत में पहन के जा नहीं पा रहा हूँ कॉलेज, तो मेरे को अननेसेसरीली शूज़ पहनना पड़ रहा है भाई। फर्स्ट सेकंड ईयर में आए थे, थर्ड ईयर में थे जब तक शूज़ पहन के रेडी होके जाया करते थे बिल्कुल प्रॉपर, अब तो भाई बहुत आलस आता है मेरे को तो लगता है कि भाई ट्रैक सूट पहन के ही चला जाऊँ और स्लीपर पहन के। नंदलेस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अब, देन उसके बाद फिर लंच करेंगे एंड अवैनर रूप में करके। दोस्तों मैं ये पनीर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, मेरे जीवन में अलग ही दुख चल रहे हैं लोग, पनीर खाने के लिए तरस रहे हैं, मैं पनीर ना खाने के लिए तरस रहा हूँ। दोस्तों डायरेक्ट हमने ले ली थी लाइब्रेरी से एंड इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते नहीं हैं, एक्स्ट्रा चार्ज तो क्या फ़ीस में इंक्लूडेड रहते होंगे बट अलग से कुछ देना नहीं रहता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं कह सकते हो, पैसे तो दिए ही हैं वैसे, ढाई ढाई लाख रुपये फ्री तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा मैं इनको। तो इस सेम में जितने भी सब्जेक्ट्स है जो भी रिलेवेंट डायरेक्ट होंगे वो सब मिल गए, तो पीछे कच्छों से बड़ा मैं परेशान हूँ भाई। ये हमारा कुछ सस्ता जुगाड़ू सा सेटअप है जहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड है। एंड यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं वीडियो बनाने के, ठीक है, बट पता है कुछ चीज़ों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। आई एम नॉट कम्प्लेनिंग भाई, मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कम्प्लेन ही कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे टेम्पलेट्स, अब जैसे कि आपने मेरी ये वाली वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, मैं और बनाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट क्या होता है भाई, इनको बनाने के लिए ना प्रॉपर शांति चाहिए, बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो रहा हो, डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो, बट भाई हॉस्टल में क्या होता है ना कुछ होते ही रहता है हमेशा। एंड मेरा रूम भी वाइड ऑक्यूपेंसी रूम है, तो जो मेरा रूममेट है मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसकी, वो भी नहीं मतलब चाहता नहीं है डिस्टर्ब करना, बट यार कुछ चीज़ें वो काम कर रहा है, अपना सामान उठा रहा है, नॉइस आ रहा है, आवाज़ आ रही है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर मैं ना रात में रिकॉर्ड करता हूँ भाई, जब सो जाते हैं ये लोग सब, हॉस्टल में शांति हो जाती है तब रिकॉर्ड करता हूँ। तो ऐसा कुछ है, कंडीशन बता रहा था मैं अपनी कि कितनी कितनी कठिनाई होती है भाई कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे। तो भाई इतनी सब कहानी बताने के पीछे का रीज़न ये था कि आज मैंने जो है अगेन फिर से इस तरह की एक रील शूट की है एंड वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। अब और काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है ना मेरे पास, बहुत सारे जो पहले जो पड़े हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यार। और एक बहुत ही फनी कंटेंट आ रहा है भाई, एक ओमेगल की वीडियो करनी है यार मुझे भाई, पता नहीं क्यों बहुत इच्छा हो रही है मेरी एक ओमेगल लाइव स्ट्रीम करने की, जब भी होती है भाई देखना, ठीक है, वो सडनली ही होगी एकदम किसी ना किसी दिन, जिस दिन अभी मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं 18th मार्च से,
तो उस टाइम पे जो है मैं व्लॉग मोस्ट प्रोबेबली एक आध दिन तो स्किप होगा बीच में, तो उस टाइम पे कर लूँगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश भी हो जाएगा कि पढ़ाई करते करते, और मैं कल लाइव स्ट्रीम कर लूँगा आधे एक घंटे, तो सब ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है दोस्तों। भाई मेरे रूममेट को पता नहीं क्या हो गया आज, क्या दिल टूट गया क्या भाई?